कैसे हो आप सब अलहमदिल्ला मैं एकदम ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे और चुबीना का थोबड़ा देखा आप लोगों ने मतलब कितना फिल्टर लगाइए बेशरम बूढ़ी घोड़ी साफ़ नज़र आ रहा है तेरे मुंह पे कि फ़िल्टर लगा हुआ है वो भी दस गुना ज़्यादा अरे अपनी औकात क्यों भूल जाते हो तुम लोग हाँ तुम लोगों को लगता है लंडे बाज़ार के ब्लॉगर तुम लोगों को लगता है पता नहीं हमारे थोड़े बहुत चैनल चल पड़े हैं वो भी कितने चल पड़े हैं वो दिख रहा है कुछ गंदगी होती है तो व्यूज़ आते हैं वरना तो गंदगी के अलावा तो तुम लोगों के चैनल ही नहीं चलते तो तुम लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग गए हो कि कहीं के बहुत पढ़े लिखे मैनर्स वाले लोग हैं जो ये फिल्टर लगा लगा के आते हो ये फ़िल्टर के पीछे का जो काला काला तुम लोगों का किरदार है चेहरा है वो बताने में शर्म आती है जो इतना फिल्टर लगाते हो यार मिलियन में ब्लॉगर पड़े हुए हैं जाके उनके वीडियो देखो कोई फिल्टर नहीं होता कुछ नहीं होता इनको देखो चिंदी चोर ब्लॉगर है और इनके फिल्टर इतने के जिसकी कोई याद नहीं है इसी से पता चलता है कि चिंदी चोर लंडे बाज़ार के ब्लॉगर है आज इसने क्या रिवील किए आमीन को डॉक्टर आमीन को क्या रिवील किए खेतों में जा के बो रही है कुत्ता मुझे काटेगा आप मुझे बचाओगे ऐसा लग रहा है बस सोलह साल की कमसिन हसीना जितने अभी अभी जवानी में कदम रखा है ऐसे छिछोर पना करके आप मुझे बचाओगे वो बोल रहे हाँ मैं आपको बचाऊंगा मतलब कि ये उसको रिवील कर रही थी कि देखो भाई मैं कोई मर्द के साथ में हूँ और वही सारी हरकतें कर रही थी जो पिटारा करती है गंचुआ के हाथ में फ़ोन देख के अपने आप को कुछ ना कुछ चोरपन करते हुए दिखाना वही ये करके खूब इतरा बल खा लिए लहरा रही मुझे इतनी हँसी आई है कि भाई कोई तो शर्म वाला हो इनके पूरे कंजर फैमिली में कंजर बिरादरी में कोई एक है जो शर्म आया वाला अच्छा इंसान है सबके सब एक से बढ़ के एक सबके सब गिरे हुए घटिया लोग है और वो भी कितने बेगैरत कितने बैड मैनर्स इन लोग लो हैं ये जो खेतों में घुसी थी साग तोड़ने के लिए एंड में इतने खुद ही बोली कि हम लोग कहीं जा रहे थे हमने ये खेत देखा तो हम साग तोड़ने घुस गए सोचो कि मतलब किसी की भी मेहनत किसी की भी चीज़ को बिना पूछे जाके चोरी करके निकल जाते हैं कैसे लोग हैं ना ये लोग मतलब वो बोलते हैं ना जानवर भी इनसे अच्छे होंगे जानवर से भी बदतर लोग हैं इसे देखे ना आप लोगों ने पूरी की पूरी कंजर कितनी घटिया और गिरी हुई है हाँ मतलब के जो डीडी ने कांड किया सनिया के साथ इसने उसको इसलिए सपोर्ट की ताकि मैं मेरे हस्बैंड को रिवील करूं और मेरा बेटा मेरे लिए कोई रिएक्शन ना दे इसके लिए तूने सपोर्ट की थी और देख लो के बाप है जो अकबर वो पच्चीस हजार दो जोड़ा ले लेके घूम रहा है मेरी शादी करवाओ मेरी शादी करवाओ बेटा है तो बच्चे बीवी सबको खड्डे में छोड़ के पैसा दिए बिना बीमारी सीमारी में छोड़ के सनिया से शादी करके उसको ले लेके घूम रहा है खूब हनीमुन मना रहा है माँ है कि अपने यार को रिवील कर रही है अपनी शादी को रिवील कर रही है अंगूठियाँ पहन रही है दिखा रही है कि देखो भाई मैं भी यार वाली हूँ कितनी अच्छी फैमिली है नहीं बेटी है तो भाई का भी साथ दे रही है जो भाभी के साथ में जुलूम हुआ उसका भी साथ दे रही है माँ का भी साथ दे रही है मतलब के पूरा के पूरा घर ही कंजर है इनका बेशरम कहीं के चुबीना बेशरम दल्ली को देखो इतना मेकअप करके इतना मेकअप करके उसके साथ में घूम रही है ऐसा लग रहा है बस कल ही शादी हुई है सोलह साल की लड़की का और आज ये अपने हस्बैंड के साथ में बाहर निकली अबे चुबीना तेरे बेटे की बल्कि उम्र बुढ़ापे में हो गई है हाँ तेरे को तेरी उम्र का लिहाज है हाथों में दोनों के झुर्रियाँ पड़ी हुई है अंगोटियां पिना रहे एक दूसरे को एक बैठ के ऊपर बैठ के दिखा रहे अरे लानत है लाना थे तुम लोगों के ऊपर छिचोरी कहीं की घटिया औरत था ले, था ले, था ले, देखा ये वाला क्लिप मतलब क्लिप बनाने के लिए मिठाई ले ले उससे हाँ बस चले सब ठीक थी, अब ठीक है मतलब के वाह अच्छा उसका भी चैनल खुलेगा समझ में तो आ ही रहा था जैसे ही तरह मैंने वीडियो देखी ना वैसे ही समझ में आ गया कि भाई चलो अब डॉक्टर साहब का भी चैनल खुलेगा उसको कैमरा पकड़ा दिए कट करो हाँ चालू करो हाँ आगे आओ हाँ पीछे आओ हाँ कट करो ये सब जो तूने वीडियो में भंकस की है ना उससे साफ नज़र आ रहा है कि अब बस दो चार दिन जाने दो फिर डॉक्टर आमिन का भी चैनल आ जाएगा क्या क्लिपें लेके सिखा रही है क्या तुम लोग इतनी इतनी सी चीज़ों को भी प्री प्लान करते कि तू उससे वो सामान ले उसके लिए मैं क्लिप बनाऊंगी फिर मैं कट करूंगी वाह चुबी ना वाह मतलब के पूरी की पूरी डिटो है तू पिटारा की नंबर मिला है मैंने इसको बुलाया है अभी आई है मैं इसको कह रहा हूँ कि आपको मैं घर भी दे रहा हूँ आप घर में ले तो बच्चे भी आए हैं आपके रिश्तेदार भी आए आप भी जाओ उनको मुझे इससे कोई मसला नहीं, नहीं है ना आपको रोक तो जी बहुत सारे लोगों को जो आग लगती है ना कि शबनम से क्यों प्रूफ नहीं मांगा जाता शबनम को क्यों नहीं बोलते कि प्रूफ दिखाओ वो तो बात करके चली जाती है तो क्यों मान जाते है तो ये रहा प्रूफ ये सारी बातें ना मैंने पहले ही बता चुकी हूँ जो लोग मुझे लगातार फॉलो करते हैं ना जो मेरे वीडियो मिस नहीं करते लाइवे सुनते हैं तो उन सबको पता होगा कि ये बातें मैंने पहले ही बता चुकी थी जब ये छोटी बाजी के इधर काम कर रही थी ना और फिर इतने काम छोड़ी थी तब मैंने वीडियो बनाई थी और एक वीडियो में नहीं बहुत सारे वीडियो में मैंने ये बता चुकी हूँ कि आमिन के साथ में वो इसके लिए नहीं रहती है क्योंकि इस बाजारू औरत को कराची में रहने का है और ये आमीन कहता है कि तू गांव में रह मैं तुझे घर वगैरह सब लेके दूंगा और ये वहाँ पे यही बोलता था कि कराची में रहेंगी फिर रिश्तेदार आएंगे गांव में रहेंगी कोई आएगा जाएगा नहीं मतलब उसको पता है ना कि इसके घर वाले कितने घटिया लोग आएंगे जाएंगे झगड़े लफड़े होंगे और फिर जब ये आने को तैयार नहीं थी तो ये आमीन मान भी गया था अच्छा चलो ठीक है तुम्हारे रिश्तेदार बच्चे कच्चे सब आए जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन तुम इधर आ जाओ रहने के लिए लेकिन इसको कराची में रहना था क्योंकि कराची में भी तो इसके है ना भाई फंसे हुए यार उनको छोड़ के कैसे आ सकती थी और ये आमीन था तो ये वहाँ पे रहने को तैयार नहीं था और ये सारी बातें मैंने बहुत पहले ही बता चुकी हूँ जो कि अब आप लोगों ने इसके मुँह से सुन लिया तो ये है मेरी बातें जो बातें पता चलती है ना मैं वही बोलती हूँ मैं वैसी बातें ही नहीं करती जिसका सर और पैर ना हो और मेरी बातों को सच्चा इन लोगों के खुद के वीडियो से प्रूफ होता है इन लोग खुद प्रूफ करते हैं कि मैंने जो जो बातें की हूँ ना वो सच्ची है बाकी आप लोगों ने पिछली बार भी देखा था एक बार रुबीना ऑपरेशन के लिए आई थी तब भी इसके बाद भी एक बहुत बार आ चुकी है तब भी मैंने वीडियो बनाई थी कि ये आमिन के साथ में घूम रही है तो इसने आके अपनी वीडियो में बोली थी कि नहीं वो मेरा भाई था तो वो कोई इसका भाई नहीं था वो आमीन ही था आमीन के साथ में ये घूमती फिरती रहती है ये जब भी गांव आती है ना तो आमीन के पास में ही आती है और किसी ने मुझे कमेंट करके बोला कि आमीन से इसने तीसरा निकाह कर ली दूसरा निकाह कर ली तो नहीं बहन अभी नहीं की है ये जब भागी थी ना छोटे छोटे बच्चे छोड़ के तभी इसने आमीन से निकाह कर ली थी और इसको डिवोर्स इसने नहीं दी है जो कि इसने अपने मुंह से कबूल भी की थी कि हाँ मैं इसके निकाह में हूँ लेकिन मैं इसके पास में इसके लिए नहीं रहने जाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को शर्म आती है दुनिया को बताने के लिए कि हमारी माँ ने दूसरी शादी कर ली है तो ये चुबीना का अभी का निका नहीं है बहुत साल पुराना निका है बस ये आती थी इसके साथ में अयाशियाँ करना इसका बोलती थी अभी कुछ गर्म करना बिस्तर और फिर बाद में इससे पैसे वैसे ऐटना और फिर वापस से चले जाना इस तरह से ये ये रिश्ते को चला रही थी लेकिन अब इसको चाहिए कि ये घर दे ये अपने पास इसको रखे और चुबीना को भी अब इसके पास रहने का है क्योंकि गंदगी नहीं दिखाएंगे तो चैनल कैसे चलेंगे आ, बेटा भी गंदगी दिखा रहा है वहाँ पिटारा दिखा रही है वहाँ पे नजो गंदगी दिखा रही है तो यहाँ पे बहु गंदगी दिखा रही है तो ये कैसे पीछे रह जाए ना तो इतने भी अपना यार उठा के लेके आ गई कि मैं भी गंदगी दिखाऊंगी बाकी ये जो आमिर ने बोला है ना कि इसका नंबर चेंज हो गया था तो मेरी इससे रब्ता नहीं हो पा रहा था मैंने इसका नंबर निकाला फिर मैंने इससे राबता किया फिर मैंने इसको बुलाया तो एक नंबर का ये झूठा और मक्कार आदमी है झूठ बोल रहा है ये क्योंकि अगर नंबर नहीं भी रहता तो वो चैनल लेके बैठी है इंस्टाग्राम है तो बात तो उसकी कैसे भी करके हो सकती थी ये सब झूठ बोल रहा है ये इसका जब से निका हुआ है तब से लेके अभी त के इसने कभी इसको छोड़ी ही नहीं है हमेशा ये लोग रबते में भी रहे हैं वो आके इसके पास में रह रह के भी जाती है फिर दोनों घूमते फिरते शॉपिंग करते सब कुछ करते हैं तो ये वाला झूठ बोलने की तो इसको ज़रूरत नहीं थी जलील इंसान को क्योंकि सच्चाई है ना सब पता है हमें तो झूठ तो तू जरा कम बोल बाकी दोनों बुढे घोड़ी और घोड़ों को समझ घोड़ी और घोड़े को समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी बेसरमाई कर रहे हैं अंगूठी दिखा रहा है फिर बोल रहा है कि मैंने दो दो गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है फिर टूटे हुए मुंह वाली बोल रही है ये मेरे निकाह की अंगूठी है और ये अभी दिया है और पूछ रही है कि तुम मुझे रोज़ अंगूठियाँ गिफ्ट दोगे वो बोल रहा है मैं तुम्हें रोज़ गिफ्ट दूंगा तुम मेरे पास रहो बोरी अच्छा तुम्हारे पास रहूंगी तो रोज गिफ्ट मिलेगा बोल रहा है। अरे तू उसकी बीवी है या रखेल है जो तू उससे डील कर रही है घटिया औरत ऐसा लग रहा है जैसे वो तुझे खरीद रहा है अपनी रातें रंगीन करने के लिए समझ आ रही है कि तू बकवास क्या कर रही है बेशरम घटिया लालची तो से इस मैंने बात करा तेजा को फैसला आएगा तो आप लोग भी मेहरबानी जाए बाकी जो डॉक्टर आमिन ने बोला है कि इस सिलसिले में मैं इससे बात करूँगा और ए, मैं इसको घर दूंगा मैं इसको इजाज़त दूंगा कि सब इसके घर वाले आ जा सकते तो आप लोग मेरी हेल्प करो मुझे सपोर्ट करो ताकि ये मान जाए ये मेरे घर में बैठ जाए अरे ये सब क्या हो रहा है भाई तुम लोग तो ऐसे जता रहे हो जैसे कल ही तुम्हारा निकाह हुआ है और लोगों को भी यही लग रहा है कि कल ही तुम्हारा निकाह हुआ है इसके लिए तुम ऐसे बातें कर रहे हो भाई तुम लोगों का रिश्ता इतने साल से चला आ रहा है अब लोगों की आंखों में धूल झोंकना बंद करो ड्रामेबाज बल्कि मैं तो यही बोलती थी ना कि चुबीना अगर किसी के निकाह में है तो निभाए ना ये क्या बात हुई माँ देखो तो हस्बैंड को छोड़ के बेटी के घर में घुसी हुई है चुबीना को देखो तो हस्बैंड को छोड़ के बेटी के घर में घुसी हुई है मतलब इनके खानदान में यही चलता है क्या शादी करो हस्बैंड को लात मारो खाली पैसे के लिए और सोने के लिए उसको याद करो बाकी टाइम के लिए छोड़ दो तो भाई तुम्हारा निकाह हुआ हुआ है तुम्हारा रिश्ता है तो साथ में रहने में क्या हर्ज है ये जानबूझ के इस तरह से जता रही है दिखा रही है कि अभी निकाह हुआ है ताकि ना लोग इसकी बातों को भी कंट्रोवर्सी बनाए फिर इसको भी व्यूज़ आए इसको भी डॉलर छापने मिले और यार मुझे तो समझ नहीं आती है कि इनको सबके सब घोंचुए सब कैसे मिल जाते हैं हाँ कोई भी इज्जतदार नहीं है सब के सब कैमरा ले लेके पीछे पीछे फिरने वाले मिल जाते हैं कमाल है नहीं अच्छा एक बात ये कि ये जो बार बार इसको बोल रहा था कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास रहो यहीं रहो मेहरबानी करो और मेरी वालिदा थी तो वफात खा गई है अब मैं अकेला हूँ तो ये ऐसी झूठी झूठी बातें क्यों कर रहा है क्योंकि इसकी तो बीवी भी थी इसके बच्चे भी थे तो वालिदा थी वफात पा गई वालिदा थी वफात पा गई कर रहे हैं लोग ये जो चुबीना का मुंह टूटा है वो तो इसके ही बच्चों ने तोड़े थे तो फिर ये ऐसी बात क्यों कर रहा है कहीं इतने भी आ, हाजी गुलाम अंकल की तरह अपनी बीवी बच्चे सबको छोड़ के तो नहीं आ गया चुबीना के पास या उसको भी टपका दिए आसिम की तरह ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि वालिदा थी वो ख़त्म हो गई है तो ये इसके पास में रहने के लिए आया है बीवी बच्चे कहाँ गए फिर और इतने ये इसको मस्के मार रहा है जैसे पता नहीं कौन सी हूर पर ही है तो टेले मोकी अरे ड्रामे कम करो तुम लोग समझ में नहीं आ रहे क्या ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे ताकि ऑडियंस कमेंट करे रुबीना एक्सेप्ट कर लो रुबीना रह जाओ रुबीना कर लो कर लो करेंगे ताकि रुबीना फिर बोले कि हाँ भाई आप लोगों के कमेंट आ रहे थे तो ना इसके लिए मैंने इसको एक्सेप्ट कर ली और बोल भी रही है बेशर्म की तरह आप लोग बताना मैं क्या करूँ फिर मैं वो फैसला लूँगी तो ये अभी जो तू बिस्तर में उसके साथ घुस के बैठी है ये तूने ऑडियंस से पूछ के घुसी है क्या हाँ चुप चुप के मिलने जाती थी ऑडियंस से पूछ के जाती थी अब तुझे उसके साथ में रहना है कंट्रोवर्सी बनानी है तो ऑडियंस पे डाल रही है ऑडियंस बोलेंगी ना मैं वो करूँगी अब देखना कल परसों वीडियो डालेंगी बोलेंगी ऑडियंस ने बोली ना इसके लिए मैंने की मक्कार कहीं की और जिस तरह से ये वादे कर रहा था कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं आएंगी आराम से रहो सुकून से रहो रोज़ गिफ्ट दूँगा ये वो अरे भाई ये क्या है मतलब तुम लोग चिचोरा पना दिखा रहे हो इधर ऐसे लग रहा है जैसे लव मैरिज हो रही है है ना और चुबीना ना टुटेले की इसके पास में रह के बड़ा एहसान करेंगी हूर परी टेढ़े बाखड़े मुकी की और हाथों में देखो भाई दोनों के हाथों से ही झुर्रियाँ नजर आ रही है और चिचोरा पना ऐसे कर रहे हैं जैसे सोलह और अठारह साल के टीनेजर से है ना और अभी अभी बस जवानी में कदम रखे अरे बस कर दो बेगैर तो तुम लोगों के तो छिछोरा पना गंदा पना ही नहीं खत्म हो रहा है पता नहीं माशरे को क्या मैसेज दे रहे हो डूब के मर जाओ मनुसो कहीं के अच्छा इस मनुष्य ने यह भी झूठ बोला कि काफ़ी अरसा मैं आउट ऑफ कंट्री रहा हूँ और यू में और पता नहीं कहाँ कहाँ पे मैं रहा हूँ अम्मा की तबीयत खराब हुई तो मैं आया फिर अम्मा गुजर गई मतलब ये सब झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है क्योंकि ये जब भी गांव जाती है इसी के लिए जाती है इसी के साथ घूमती फिरती रहती है कितनी बार तो हमने पकड़ पकड़ के वीडियो तक के डाल के प्रूफ दिखाया है कि देखो ये आमिन के साथ घूम रही है तो ये सब झूठ बोल के मतलब ये जताना चाहते हैं ये लोग खुद ही कि इसका और भी अफेयर है और भी यार है इसके जिनके साथ में ये घूमती रहती है और सोचो इसके बच्चे इसके पोत्रे पात्रे जो भी है सब कराची में है ये गाँव क्यों जाती है हर एक डेढ़ महीने में आप लोगों ने देखा होगा ये गाँव चली जाती है हर दो महीने में ये गाँव जाती है एक दिन भाई का घर बताती है दूसरे दिन से बस यहाँ वहाँ के कोने खापचे के वीडियो बना बना के डालती है तो किसके पास जाती है अगर ये आउट ऑफ कंट्री था तो इसका कौन सा यार है सच में यार बहुत गलीच पना मचा के रखे है ये पूरा टब्बर पता नहीं कब जाएगा वाइटी से और ये गंद ख़त्म होगा वहाँ अम्मा को देखो अब्बा को देखो अल्लाह वो अब्बा दीवाने हुए पड़े है अम्मा लात मारने के पीछे पड़ी है कि या तो ये मेरे से दूर चला जाए या तो ये दुनिया से चला जाए है ना और यहाँ पे इसको देखो ये इसी की कमी थी टुटेले मुँह की कि ये आके अपना छिछोर पना दिखाए लानत है लाना तुम लोगों के ऊपर और चुबीना ने जो जो बोली है कि नैना को भी मेरी ज़रूरत है इनको भी मेरी ज़रूरत है अरे भाई नैना का हस्बैंड है ना अरे छोटी किकली काकी तो है नहीं वो मतलब तुम लोगों के घर में ये चलता क्या है कि तुम्हारी बेटियों को माँओं की ज़रूरत रहती है अगर इतनी ही ज़रूरत रहती है तो फिर बिल्लों को सलमा के पास भी उतना ही रहना चाहिए चुबीना के पास भी रहना चाहिए पिटारा के पास भी रहना चाहिए ये कौन सी बात है कि इनकी बेटियों को इतनी ज़रूरत रहती है माओ की कि शादी के बाद में माओ को घर पे लेके जाते या ये क्यों नहीं बोलते जो अयाश और बिगड़ी हुई गलीज बेटी रहती है जिसके दस यार रहते हैं इसके उसके बच्चे पैदा किए रहती है उसको माँ की ज़रूरत रहती है ना ताकि वो बाहर मुँह मारने जाए तो उसके बच्चे माँ संभाल ले इसके लिए ज़रूरत होगी नहीं आई बड़ी न नैना को जरूरत है मेरी तेरी क्या जरूरत है ना उसका हस्बैंड तू मर ना तेरे आमीन के साथ में इधर पे ये क्यों नहीं बोलती कि कराची में तेरे जो यार है उनके बिना तेरे से नहीं रहा जाएगा वरना नैना के बिना तो तू छोटी बाजी के घर में आराम से रहती थी तब तुझे नहीं पता चला कि नैना को तेरी ज़रूरत है जब तू ये आमीन के साथ भाग रही थी तब तुझे नहीं पता चला था कि नैना को और छोटे छोटे बच्चों को तेरी ज़रूरत है अब तुझे याद आया कि नैना को तेरी ज़रूरत है और डीडी दल्ले तू दूसरों के माँ बाप के ऊपर तो बड़ा बात करने बैठ जाता है कि तुमसे तुम्हारे माँ बाप नहीं संभलते हैं तो यहाँ पे भेज दिए याद है तू सलमा को असगर को सवाल कर रहा था ताने दे रहा था तो तेरी माँ तेरे से नहीं संभली जो यार के साथ में रहने के लिए चले गई है बेशरम दल्ले इसको बोलते देख ले के उसके घर दे रहे अंधेर नहीं तू बैठा था ना सवाल करने के लिए देख ले तेरी माँ की हरकतें तो अब बता शर्म से डूब के मर जा वरना कि तेरी माँ को तुम लोग नहीं संभाल सकते थे उसको यार की ज़रूरत पड़ी इस उम्र में लानती कहीं के इसीलिए बोलते हैं कि दूसरों को बोलने से पहले ना अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए इसके खुद का ख़ानदान इसका खुद का घर इतना कीचड़ से भरा हुआ है दूसरों के कीचड़ पे उंगलियाँ उठाता है बेशरम दल्ला तो चले इस वीडियो को यहीं पेंट एंड करती हूँ वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़